एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम क्यूट क्यूट प्लांटर्स बनाएंगे, वो भी वेस्ट से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्लांटर आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे एशियन पेंट के जो 1 लीटर वाला कंटेनर है उसको यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें इनेमल पेंट करूँगी, ये ऑल बेस्ट पेंट है। इनेमल पेंट जो है वो कंपेरेटिवली दूसरे कलर से सस्ता पड़ता है और ड्यूरेबल भी है, इसीलिए मैं इनेमल पेंट कर रही हूँ। आप चाहे तो एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस प्लांटर को आउटडोर रखने वाली हूँ, इसीलिए मैं इनेमल पेंट कर रही हूँ। ऐसे ही मैं 6 प्लांटर बनाऊँगी। और एक बात, अब तो बारिश का मौसम है और उड़ीसा में तो 2 दिन से जम के बारिश हो रहा है। मैं तो 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकली हूँ। आपके यहाँ क्या हालत है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूँगी। सूखने के बाद मैं इसमें कुछ पैटर्न्स बना रही हूँ। पैटर्न्स बनाने के लिए मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। इस प्लांटर का बेस वाइट है, इसीलिए मैं रेड कलर से कुछ डॉट्स बना रही हूँ, क्योंकि वाइट के साथ रेड बहुत अच्छे दिखते हैं। वैसे तो वाइट के साथ सारे कलर्स अच्छे दिखते हैं, लेकिन वाइट और रेड की कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसी तरह से रैंडमली कुछ पैटर्न्स बना रही हूँ। आप ज़्यादा हजबस ना करें, ज़्यादा शेप्स मिक्स ना करें। एक कोई पैटर्न को आप रिपीट कीजिए तो आपकी प्लांटर्स बहुत अच्छे दिखेंगे। ऐसे ही मैं सारे प्लांटर्स को रेडी कर लूँगी। मैं इसमें 4 ड्रेनेज होल करी हूँ, ऐसे ही साइड में 2 और नीचे 2 होल करी हूँ। इस प्लांटर में मिट्टी भरने का काम मेरी बहू कर रही है। बहू मीन्स मेरी मदर। हमारे लोकल लैंग्वेज में माँ को बहू बोलते हैं और मैं भी बहू ही बुलाती हूँ। ये है हमारे सारे प्लांटर्स। मैं इसमें कुछ प्लांट्स की कटिंग्स लगा रही हूँ। अब तो बारिश हो रहा है और हमारे कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ऐसे ही मैं सारे प्लांटर्स में कटिंग्स को अच्छे से लगा दूँगी। और प्लांट लगाने में मुझे बहुत खुशी होती है। अब देखते हैं इसकी फाइनल लुक। लेट्स गो फॉर सेकेंड DIY। सेकेंड DIY में हम बनाएंगे हैंगिंग प्लांटर्स। इसके लिए मैं ये प्लास्टिक बोतल यूज़ करूँगी। मैं इसको ऊपर से ऐसे कट करूँगी। कट करने के लिए मैं हवी नाइफ का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सीजर्स के हेल्प से इसे आसानी से कट कर सकते हो। मुझे तो हवी नाइफ से कोई भी चीज़ कट करना ईजी लगता है, इसीलिए मैं यहाँ हवी नाइफ का यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही मैं सारे पोटल्स को कट कर लूँगी। आप चाहे तो नाइफ को गर्म करके भी इसको कट कर सकते हो। ऐसे ही मैं सारे पोटल्स को कट कर ली हूँ। अब इसको पेंट करेंगे। मैं इसके ऊपर भी इनामेल पेंट करूँगी। ये ऑयल बेस्ड पेंट है। ऑयल पेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, साइन भी अच्छे देते हैं, बस थोड़ा सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और एक बात, आप पेंट करने के बाद पेंट ब्रश को कोई भी थिनर या पेट्रोल या फिर किरोसिन से धो लीजिएगा, नहीं तो ये ब्रश ख़राब हो जाएगा। एक्चुअली मेरे साथ ही हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप ये गलती मत कीजिएगा। ऐसे ही मैं सारे बोटल्स को पेंट कर लूँगी। एक्चुअली मैं 2 बोटल को वाइट कलर पेंट कर रही हूँ और 2 को येलो कलर। सारे कलर्स हो जाने के बाद हम इसे सूखने के लिए 1 दिन छोड़ देंगे। सारे बोटल्स सूखने के बाद मैं इसमें होल बना दी हूँ।
ऐसे ही मैं ऊपर चार और नीचे चार होल बनाई हूँ। हम दो थ्रेड लेंगे, एक थ्रेड की एक एंड को हम ऐसे ही नीचे वाले जो होल है उससे डालकर ऊपर वाले होल से निकालेंगे, और दूसरे एंड को हम दूसरे वाले जो होल नीचे वाले होल से डालकर ऊपर वाले होल से निकालेंगे। बस इसी प्रोसेस को हमको रिपीट करना है। दूसरे वाले थ्रेड से भी हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इसके बाद हम एक नॉट टाई करेंगे, जैसे कि हमारी ऊपर की बॉटल्स फिक्स हाइट में रहे। तो जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपको रूप को अटैच कर लेना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बोलूँ, आप तो देख रहे हैं ना, बस इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपकी हैंगिंग प्लांटर्स रेडी हो जाएगा। मैं एक के ऊपर एक पोटल्स को अटैच कर ली हूँ। अब हमारा सारे पोटल्स अटैच हो चुके हैं। एंड्स पे सारे रोप को एक साथ लेके नॉट्स लगाकर सिक्योर कर लेंगे। एंड ये हमारा हैंगिंग वॉल प्लांटर रेडी है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करना ना भूले। अब मैं इसमें मिट्टी भर रही हूँ। मैं सारे में ऐसे ही मिट्टी भर लूँगी और इसके बाद कुछ प्लांट्स की कटिंग्स लगाऊंगी, और हमारे छत के ऊपर एक वॉल में मैं इसको हैंग करूंगी। मुझे पता है ये हैंग होने के बाद बहुत ही अच्छे दिखने वाले हैं। तो प्लांटर्स में मिट्टी भरने के बाद मैं इसमें कुछ कटिंग्स लगा रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैं सारे में अच्छे से कटिंग्स को लगा दूंगी। मैं तो इसमें छोटे कटिंग्स लगाई हूँ, जब इनमें फ्लावर्स आएंगे तो कितने अच्छे दिखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।